वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सिर्फ दो चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है। बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद है और नरम और बहुत ही जूसी है अंदर से। इसे आप बना कर रख लेंगे तो भी महीनों दिन तक ये खराब नहीं होगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है, 4 से 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है जो थोड़े बड़े साइज में है। नारियल को तोड़कर हमने इसकी गिरी को बाहर निकाल लिया है। अब इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, डार्क वाला, इसे पीलर की सहायता से अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से ये हो जाता है और ध्यान रखें कि बिल्कुल भी डार्क पार्ट इसमें ना रहे, अच्छी तरह से साफ कर लें इसे, तो आपके जो लड्डू है ना बिल्कुल दूध की जैसी सफ़ेद बनेगी। और इस तरह से फिर हमने सारे छिलकों को निकालने के बाद इसको धो लिया है, और धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लें। इसे हमें मिक्सर में पीसना है। यदि आपके पास कोकोनट स्क्रैबर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम मिक्सर में पीसेंगे। मिक्सर का जो मिडिल वाला जार होता है, ड्राई जार, उसमें हम कोकोनट लेंगे अपने। और इसको पीसने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, जैसे हम नॉर्मल मसाले पीसते हैं मिक्सर में वैसा नहीं पीसेंगे। आप देख रहे हैं मिक्सर का जो स्विच है ना, एक साइड से हम पीसते हैं जो नंबर वाला होता है, नंबरिंग 1 2 3, उधर से नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में करेंगे। इसको पल्स मोड कहा जाता है और इसी पल्स मोड पे हम अपने कोकोनट को पीसेंगे। इससे क्या होगा, सारे कोकोनट बहुत अच्छी तरह से पीस जाते हैं। मैंने मिक्सर को पल्स मोड पे आधे मिनट तक चलाया है और हमारा कोकोनट अच्छी तरह से पीस चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। आप इससे भी बारीक कर सकते हैं, थोड़ी देर और पल्स मोड में इसे चला लीजिए, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और मैं थोड़ा देर और चला रही हूँ, थोड़ा बारीक कर ले रही हूँ। इसके बाद इसे हम कढ़ाई या पैन में निकाल लेंगे जिसमें आपको लड्डू बनानी है। और इस कोकोनट को हम यदि मेजरमेंट करते हैं कप से, तो 2 कप के लगभग आएगा। तो 2 कप के लगभग हमारा कोकोनट है, तो 1 कप हम शक्कर डालेंगे। यदि आपको मार्केट की जैसी मिठास चाहिए तो लड्डू में, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कम शक्कर डालूंगी, थोड़ा हल्का मीठा मैं बनाने वाली हूँ, तो इसको मैं 3/4 कप ही शक्कर को डाल रही हूँ। मैंने शक्कर थोड़े 1/4 कप शक्कर बचा लिया है। अब शक्कर को पिसे हुए नारियल में मिलाएंगे और मैंने गैस नहीं जलाया है, बिना गैस जलाए ही इसे ऐसे ही मिलाएं, ताकि जो शक्कर है मेल्ट हो जाएगा कोकोनट के मिल्क में। और इसके बाद हम गैस को जलाएंगे। अब ये देखिए शक्कर जो है मेल्ट हो गया है, तो अब इसे हम पकाएंगे। तो अब हम गैस को जला लेंगे और इस कोकोनट को हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे, जिससे शक्कर पक जाए और इसकी चाशनी बन जाए थोड़ी गाढ़ी। तब तक हमें इसे चलाते हुए लगातार पकाना है। यदि हम इसे चलाना बीच में छोड़ देंगे तो बॉटम में ये जलना शुरू हो जाएगा और फिर हमारा जो लड्डू है सफ़ेद नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे लगातार चलाते रहिए। एक अच्छी लड्डू बनानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है। चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने पानी तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, ये बिल्कुल कोकोनट के मिल्क में ही ये मेल्ट हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये पक जाता है। एक बार हाथ में इसको लेके देखें, थोड़ा सा इसको लड्डू जैसा बनाएं। यदि ये बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी हमारी लड्डू नहीं बन रही है, तो कुछ देर और पका लेंगे, आधा मिनट। मैंने इसे आधा मिनट और पका लिया है, तो इसका जो कंसिस्टेंसी है ठीक हो गई है। आप देख रहे हैं पैन में नीचे चाशनी अलग से नहीं लग रही है, बिल्कुल ड्राई हो गई है, और जो हमारा ये कोकोनट है बिल्कुल एक साथ मिल गया है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसे गैस से नीचे उतार लें और इसे ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसके हम लड्डू बनाएंगे, गर्मा गर्म बिल्कुल नहीं बनाएं। हाथ में जब ये आने लगे, आप इसे छू सकें, पकड़ सकें, तभी इसकी लड्डू बनाएं। हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें, हल्का सा घी या बटर लगा लें, तो इसकी लड्डू बनाएं। बहुत ज़्यादा दबा के मत बनाइएगा, यदि बहुत ज़्यादा दबा के बनाएंगे तो इसकी चाशनी है जो निकल जाएगी और हमारा लड्डू बहुत ही ड्राई बन जाएगा। तो हल्के हाथों से बस इसकी लड्डू बनाते जाइए, देखिए बहुत आसानी से इसकी लड्डू बन जाती है।
हमारी लड्डू बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल व्हाइट है और कितनी शाइन कर रही है। तो इस तरह से सारे लड्डुओं को आप बनाकर रख लीजिए। इसे लंबे समय तक चलाना है तो इसे फ्रिज में रखकर आप 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। तो है ना कमाल की, बहुत ही आसानी से आप लड्डू बना सकते हैं कोकोनट की घर पर, और इसे जरूर से ट्राई करें और बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।